रावसर क्षेत्र से गुजरने वाली मुख्य नहर IGNP की RD-84 पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव नहर में बहकराने की सूचना मंगलवार शाम को स्थानीय लोगों ने रावतसर पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद रावतसर पुलिस थाना से ASI राजवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर शव को नहर से बाहर निकलवाया व रावतसर स्थित राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी घर में रखवा दिया। सफेद कुर्ते पायजामे में शव किसी अज्ञात पुरुष का है जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल हो सकती है। शव की गर्दन पर साफा बांधकर एक पत्थर लटकाया हुआ है। शव के दोनों पैर एक पट्टे से बंधे हुए हैं और पैरों में जूतियां हैं। शव पहचान करने की स्थिति में होने के कारण पहचान के लिए मोर्चरी घर रावतसर रखवाया गया। इस संबंध में रावतसर पुलिस थाना से कोई भी व्यक्ति संपर्क कर अधिक जानकारी ले सकता है। दिनांक 18/4/23 को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि मोदनगर रोई में इंदिरा गांधी नहर की RD-84 पर एक अज्ञात पुरुष की लाश आई हुई है, जिस पर हम जाब्ता से मौके पर पहुंचे। जाकर देखा तो पुरुष की लाश नहर के पानी में तैर रही है, जिसके दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए हैं, गर्दन में साफा बंधा हुआ है, जूती पहन रखी है, सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं और उम्र करीब 45-50 साल है, जो पहचानने योग्य है, जिस पर उसको 72 घंटे के लिए मोर्चरी रूम CSC रावसर में रखवाया गया है। आइंदा वारिस का पता चलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।